मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को पूर्व विधायक स्वर्गीय लक्ष्मण सतपति की प्रतिमा का कटोरा तालाब में अनावरण किया। उन्होंने स्वर्गीय लक्ष्मण सतपति के व्यक्तित्व को आज की युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक बताया। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि स्वर्गीय लक्ष्मण सतपति की दबंग और आमजनों के हित के लिए सत्य निष्ठा से काम करने की कार्यशैली लोगों के मन मस्तिष्क में चिरस्थायी है। उनके द्वारा बच्चों की शिक्षा के लिए किए गए काम आज भी प्रासंगिक है। मंत्री ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की। हम बताते हैं कि स्वर्गीय लक्ष्मण सतपति दो बार बसना क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक निर्वाचित हुए थे। उनका जन्म 1937 में हुआ था। उनके पिता पंडित जयदेव सतपति और माता श्रीमती जशोंती देवी थी। स्वर्गीय लक्ष्मण तिवारी ने कोंडागांव, धमतरी, बेमेतरा, सरायपाली में शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दी है। वे एक योग्य क्रीड़ा प्रशिक्षक के साथ ही बास्केटबॉल खेल के राष्ट्रीय निर्णायक भी रह चुके थे। राजधानी रायपुर में शिक्षक रहते हुए आपने LLB की पढ़ाई भी की और प्रखर अधिवक्ता के रूप में अपनी पहचान बना पाई। स्वर्गीय सतपति पहली बार 1972 और वही दूसरी बार 1977-78 में बसना क्षेत्र से विधानसभा के लिए चुने गए थे। शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए भी उन्होंने फुलझर सेवा समिति सरायपाली की कमान संभाली थी। उनकी प्रतिमा के अनावरण पर शामिल लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी। आज एक ऐसे राजनेता जिन्होंने पूरे जीवन जनता के लिए, किसानों के लिए, आदिवासियों के लिए, अनुसूचित जाति के लिए पूरा जीवन उन्होंने समर्पित किया और एक ऐसे राजनेता जो जो बात दिल में है वही जुमान और खरी खरी बात कहने में सतपति जी की कोई सानी नहीं, कोई मुकाबला नहीं। हमेशा वो अपने बात दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ रखते थे। सामने चाहे कितना भी बड़े व्यक्ति क्यों ना हो, वो डरते नहीं थे, झिझकते नहीं थे। और ऐसे राजनेता की मूर्ति की स्थापना आज हम लोगों ने किया। उसके स्वर्गवास के समय तय हुआ था कि इसकी मूर्ति यहाँ स्थापना करेंगे और उसके जैसा व्यक्तित्व था वैसी मूर्ति की स्थापना यहाँ हुई है। मैं सभी सतपति परिवार के साथियों को, परिवारजनों को हृदय से धन्यवाद देते हुए, पिछले दिनों उनके छोटे भाई भिलाई में मुलाकात हुई थी सतपति जी की, मैंने कहा कि जब भेंट मुलाकात कार्यक्रम होगा रायपुर में तो उस दिन अवश्य उसको करेंगे। और आज ये तिथि वो घड़ी आई और आज उनकी मूर्ति का अनावरण हुआ। हमेशा हम सबको तो आज ये मूर्ति और ये मूर्ति हमेशा हम सबको प्रेरित करती रहेगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ उन्हें नमन करते हुए अपने वाणी कहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। जय छत्तीसगढ़। लक्ष्मण जयदेव सतपति अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। वो जनसंपर्क से मिलेगा मैं। बहुत सही।